पांच बड़े पंछियों को अभी तक नहीं पहुंचा फोन, सिद्धार्थनाथ को अभी तक नहीं पहुंचा फोन, सतीश महाना को भी फोन का इंतजार, सीएम आवास पर नहीं दिखे दिनेश शर्मा, पांच बड़े मंत्रियों को अभी तक नहीं पहुंचा फोन, बड़ी खबर सामने आ रही, सिद्धार्थनाथ को अभी तक नहीं पहुंचा फोन, सतीश महाना को भी फोन का इंतजार, सीएम आवास पर नहीं दिखे दिनेश शर्मा, पांच बड़े मंत्रियों को अभी तक नहीं पहुंचा फोन, बड़ी खबर सामने आ रही है, सिद्धार्थनाथ को भी अभी तक नहीं पहुंचा फोन, कई बड़े नेता और विधायक पहुंच रहे सीएम आवास, सतीश महाना को भी फोन का इंतजार, सीएम आवास पर नहीं दिखे दिनेश शर्मा। कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाया जा रहा है कि दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम पद से कहीं ना कहीं हट सकते, क्योंकि ना उनको फोन पहुंचा है और ना ही वो सीएम आवास पहुंचे, कई बड़े चेहरे सीएम आवास पहुंच चुके हैं, सतीश महाना को भी फोन का भी इंतजार है, सीएम आवास पर नहीं दिखे दिनेश शर्मा, पांच बड़े मंत्रियों को अभी तक नहीं पहुंचा फोन, सिद्धार्थनाथ को भी अभी तक नहीं पहुंचा फोन। इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, पांच बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको फोन का अभी भी इंतजार है, ऐसे बताया जा रहा था कि फोन कर उन्हें जानकारी दी जाएगी कि उन्हें जगह मिलेगी या नहीं मंत्रिमंडल में, लेकिन अभी तक फोन नहीं पहुंचा है और ना ही दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है तो उन्हें भी फोन नहीं पहुंचा, ना ही वो सीएम आवास पहुंचे, जबकि कई चेहरे पहुंच गए, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अभी कई लोगों को फोन का इंतजार है, हालांकि अभी समय बचा हुआ है, अभी सिर्फ 1 बजा है और 4 बजे शपथ ग्रहण होनी है, 2 से 3 बजे के करीब वीवीआईपी का मौके पर पहुंचने का समय है इकाना स्टेडियम में, तो अभी समय है और लगभग सभी को इस फोन का इंतजार है कि उनके पास वो फोन आएगा कि नहीं आएगा। सतीश महाना जैसे बड़े नाम है जिसने पिछली बार उद्योग मंत्री रहते हुए काफी निवेश उत्तर प्रदेश में करवाया था, और ऐसे में अभी तक उनके पास फोन नहीं आया है, दिनेश शर्मा के पास फोन नहीं आया, सुनील बंसल सबको फोन कर करके बुला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी इंतजार है और इनका भी नंबर आएगा ऐसा इन्हें उम्मीद है, लेकिन अब देखना ही होगा कि क्या जो उम्मीद है वो उम्मीद सही होती है या नहीं होती। जी, अगर इन पांचों के प्रदर्शन की बात करें नितिन, 5 सालों में तो कैसा रहा है? देखिए, प्रदर्शन की बात करी जाए तो दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम रह ही चुके हैं, सतीश महाना की बात की जाए तो औद्योगिक मंत्री रहे हैं, इन्वेस्टर समिट जैसे बड़े कार्यक्रम उनकी देखरेख में उत्तर प्रदेश में हुए थे और बड़ा इन्वेस्ट बड़ा निवेश उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में किया गया था, हालांकि उम्र उनकी भी हो गई है और कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के उनके नाम पर भी चर्चा विचार विमर्श चल रही थी कि सतीश महाना का भी नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए हो सकता है कि नामित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए नाम, क्योंकि वो भी सीनियर हो चुके हैं, उम्र भी उनकी ठीक ठाक हो गई है और एक्सपीरियंस नेता भी हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब धीरे धीरे सबको फोन किया जाएगा, लेकिन जो कुछ प्रमुख नाम है जिनको अभी तक फोन नहीं किया गया है उन नामों पर विचार विमर्श अभी भी बरकरार है और उम्मीद यही है कि फोन उनके पास भी जाएगा। जी नितिन, वही कुछ मंत्री ऐसे भी जिनके नाम पे कहा जा रहा है कि ये फिर से अपने कार्यकाल को रिपीट करेंगे और सेम वही पोस्ट भी संभाल सकते हैं, जैसे सोमेंद्र तोमर है, कपिल देव अग्रवाल है, बृजेश सिंह है, अनूप वाल्मीकि है, दिनेश खटीक है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम, जिस तरह से इनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल साफ तौर पर बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने वाला है इस मंत्रिमंडल में, चाहे वो राज्य मंत्री हो या स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो जी। कुछ जो सीटें खाली हैं उन सीटों पर फेरबदल किया जाएगा, विभागों को बदला जाएगा, ज्यादातर चेहरे जो है वो पुराने ही रहेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह को अभी तक बताया जा रहा है कि फोन नहीं किया है, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास के मुख्यमंत्री आवास सिद्धार्थनाथ सिंह अगर हम बताएं तो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और इसके अलावा खादी मंत्री भी रह चुके हैं और दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा काम उन्होंने किया है, सरकार के प्रवक्ता भी रह चुके हैं बीते कार्यकाल में, तो ऐसे में उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं सिद्धार्थनाथ सिंह को फोन जाएगा और सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम भी लगभग पक्का है, क्योंकि कल भी उनसे मुलाकात हुई थी जब प्राइम टीवी पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा था कि अभी हम सरकार बेहतर तरीके से कैसे काम करेगी उस पर विचार विमर्श चल रहा है और हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार सही तरीके से काम करे, जो भी नीतियां उन नीतियों पर काम किया जाए और जो आदेश होगा जो सरकार का या फिर संगठन का उस पर हम खरे उतरेंगे। जी नितिन, कांग्रेस से बीजेपी में आए जितेन प्रसाद भी मंत्री बन सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि सीएम आवास पहुंचे थे जितेन प्रसाद, तो वही दानिश आजाद को भी फोन आ गया है, तो इन दो नामों को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जितेन प्रसाद पहले कार्यकाल में भी मंत्री बनाए गए थे, राज्य मंत्री का जो दर्जा उन्हें प्रभार दिया गया था स्वतंत्र प्रभार का, और वो जो आपका टेक्निकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो था वो उन्हें दिया गया था, वो उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई थी अपने कार्यकाल के दौरान, एमएलसी हैं इस वक्त भी वो,
और उनको बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं विभागों को इधर से उधर करना है, विभागों का फेरबदल करना है। ऐसे में जो पुराने मंत्री हैं, राज्य मंत्री या पुराने मंत्री, उनको बुलाया गया है और उनसे बातचीत हो रही है कि विभागों को चेंज किया जा रहा है, ये विभाग दिया जाएगा, इसमें कैसे जिम्मेदारी निभाएंगे, इन सब पर चर्चा करने के लिए पुराने मंत्रियों को भी बुलाया गया है। देखना ये होगा, थोड़ी देर में ये सस्पेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसकी लॉटरी आज लगती है, किसकी नहीं लगती। जी, दयाशंकर सिंह को भी फोन आ गया है, इन्हें किस तरह से देखते हैं, अगर इनको चुन लिया जाता है तो किस तरह से इनका पद बढ़ जाएगा? दयाशंकर सिंह बड़ा नाम है और इस बार बलिया से उनको प्रत्याशी बनाया गया था, बलिया सदर से वो जीत कर आए भी हैं और काफी अहम भूमिका उनको मिलेगी इस बार, ऐसा बताया जा रहा है। काफी चर्चा में भी रहे हैं ये अपनी पत्नी की वजह से, स्वाति सिंह की वजह से, तो किस तरह से देखते हैं, क्या चर्चा का भी असर हुआ है कहीं ना कहीं इनके पद पे? देखिए, यूपी बीजेपी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी मौजूदा उपाध्यक्ष हैं दयाशंकर सिंह, पत्नी इनकी स्वाति सिंह जो 2017 में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से प्रत्याशी बनाई गई थी और जीती थी, और उसके बाद उन्होंने 5 साल मंत्री का पदभार संभाला था। और इसके अलावा दयाशंकर सिंह की बात करी जाए तो फायर ब्रांड नेता बताए जाते हैं, यूथ उनके साथ रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय के नेता रहे हैं और काफी दमखम वाले नेता बताए जाते रहे हैं। इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया था और इस बार वो जीत करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलनी लगभग तय है। फोन आ चुका है, मुख्यमंत्री आवास पर दयाशंकर सिंह पहुंच गए। जी, अगर तैयारियों की बात करी जाए तो एकाना में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है नितिन? देखिए, एकाना की बात की जाए तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो लगभग हो चुके हैं। यहाँ पर 10 अस्थायी अस्पताल भी बनाए गए हैं कि अगर अचानक से किसी भी तरह से किसी को कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या होती है तो उसका तत्काल रूप से इलाज किया जा सके, उसको अस्पताल में वहां पर सारे ट्रीटमेंट कराए जा सके। इसके अलावा बैठने के अरेंजमेंट से लेकर सबका अलग अलग सेक्शन बांटा गया है कि कहां पर जो नेता आएंगे वो बैठेंगे, कहां पर उद्योगपति बैठेंगे, कहां पर जो बॉलीवुड के कुछ स्टार्स बुलाए गए हैं वो बैठेंगे, साहित्यकार कहाँ बैठेंगे और जो इसके अलावा साधु संतों को जो बुलाया गया है वो कहाँ बैठेंगे, तो सबको अलग अलग जगह पर बांटा गया है और सबको बताया गया है कि आपको यहाँ बैठना है, आपको वहाँ बैठना है, सबके लिए अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। जी, अगर देखा जाए सांस्कृतिक कार्यक्रम जिस तरह से सीएम आवास के बाहर भी देखा जा रहा है, कान्हा स्टेडियम के बाहर भी देखा जा रहा है, तो ये कितने बजे तक चलता रहेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आज लगभग शाम तक चलता रहेगा क्योंकि जब तक अतिथि नहीं आ जाते हैं कार्यक्रम हो नहीं जाता, और कार्यक्रम होने के बाद भी ये कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहेंगे क्योंकि बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। 37 साल बाद बीजेपी ने जीत दर्ज की है उत्तर प्रदेश में, 37 साल बाद कोई ऐसी राजनीतिक दल है जिसने उत्तर प्रदेश में कंटिन्यू जीत दर्ज की है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में ये सब संभव हो पाया है। बीजेपी भी इस बात को जानती है, तो ये जश्न का जो माहौल है ये इसी तरह से चलता रहेगा और अभी शपथ ग्रहण से लेकर के शपथ ग्रहण के बाद तक इस तरह के कार्यक्रम जो है वो बखूबी चलते रहेंगे। जी, कार्यक्रम तो पूरा दिन चलता रहेगा, लेकिन जिस तरह से उथल पुथल मची हुई है मंत्रियों के मन में, जिस तरह से सबकी धड़कनें तेज हुई है कि हमारा नाम आएगा नहीं आएगा, काफी उम्मीद है इस बार लोगों को, बड़े मंत्रियों को, तो क्या लगता है अब कौन कौन से जो ये 5 चेहरे रह गए इनके अलावा कौन कौन से चेहरे जिनको फोन आ सकता है? देखिए, मोहसिन रजा के मामले में अभी भी चीजें फंसी हुई है क्योंकि मोहसिन रजा को फोन नहीं गया है। मोहसिन रजा पिछली बार मंत्री रहे हैं 5 साल, अभी तक उनको फोन नहीं गया है और देखना ही होगा कि मोहसिन रजा इस बार मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा कई और नामों पर अभी भी विचार विमर्श चल रहा है, जैसा कि सतीश महाना को बताया गया कि फोन नहीं आया है, तो क्या विधानसभा अध्यक्ष के लिए सतीश महाना का नाम फाइनल किया जाएगा? इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह को भी फोन अभी तक नहीं आया है, लोग बता रहे हैं, तो सिद्धार्थनाथ सिंह को फोन क्यों नहीं आया है, कहाँ पर उनको सेट किया जाएगा, कहाँ जगह बनाई जाएगी, संगठन में जगह देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इन सब चीजों पर अटकलें जो है अभी शिकायत चल रही हैं। अभी कुछ भी फाइनल कर पाना मुश्किल है, अभी भी लोगों को फोन आ रहा है, मुख्यमंत्री आवास में नेता विधायकों का आना जाना अभी भी चल रहा है और किसको जगह मिलती किसको नहीं ये थोड़ी देर में पता चलेगा। जी नितिन, मेहमानों की बात करी जाए तो कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं? देखिए, कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं। अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त एयरपोर्ट का हाल, तो एयरपोर्ट पर जो गहमा गहमी है वो बकायदा पूरे एकदम अपने चरम पर है। गोवा व कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो कई और जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं, तो लगभग सबका आना जाना है वो अब शुरू हो चुका है।
और धीरे धीरे इसकी संख्या जो है वो और बढ़ेगी। विपक्ष की बात करी जाए तो कांग्रेस से क्या कोई आ सकता है? देखिए, फोन पे बात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव से बात की थी, बसपा सुप्रीमो मायावती से बात की थी, अखिलेश यादव से बात की थी, सबको फोन किया था कि आ जाइएगा आप लोग कार्यक्रम में। बताया भी जा रहा है कि ये विपक्षी दल के नेता आ सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं आए तब तक कुछ कह पाना संभव नहीं। देश की खूबसूरती है कि सब मिलके रहते हैं, भले ही राजनीतिक मतभेद हो लेकिन मनभेद कहीं नहीं देखने को मिलता है। कोई कार्यक्रम होता है तो सब शिरकत करते हैं, लेकिन एक ये बड़ा सवाल है कि क्या इस बार राजनीति हावी होती है? क्योंकि अखिलेश ने कहा था मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, ना मुझे निमंत्रण मिला है ना निमंत्रण मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन करके आमंत्रित किया, एक बड़ा सवाल उठता है क्या मतभेद देखने को मिलेगा, मनभेद देखने को मिलेगा या राजनीति देखने को मिलेगी? नितिन, देखिए कल फोन गया था रात में, ऐसा बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्सनली फोन किया है मुलायम सिंह यादव को, अखिलेश यादव को, मायावती को, कांग्रेस अध्यक्ष को, सबको फोन करके निमंत्रण दिया है कि आप लोग कार्यक्रम में आइएगा शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन अब कौन आता है कौन नहीं, ये तो उसके विवेक के ऊपर है। लेकिन हाँ, ये है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जो राजनीतिक मतभेद है वो ठीक है, लेकिन आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। और 2017 में भी अगर हम बताएं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शपथ ली थी तो उस दौरान भी मुलायम सिंह यादव आए हुए थे, अखिलेश यादव आए थे शपथ ग्रहण समारोह में, ये सारे नेता आए हुए थे उस दौरान भी। तो आज का देखना ये है कि आज भी लोग आएंगे नहीं आएंगे, देखना है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये बात कही जा रही है, हार का ठीकरा सपा बसपा के ऊपर फूट रहा है, सपा बसपा पे दोषारोपण कर रही है और बसपा सपा पे दोषारोपण कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर दोनों में से कोई एक आता है और दूसरा नहीं आता है तो हार का ठीकरा उसमें फिर से फूटेगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा जी। लेकिन उम्मीद ये है कि हाँ, जो राजनीतिक दलों जिनको फोन किया गया है, निमंत्रण दिया गया है, उम्मीद है कि वो आएंगे जरूर, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह है। सामने वाली राजनीतिक पार्टी जो जीत करके आई है, जिसे देश जिसे प्रदेश का जो जन समर्थन है वो मिला है, तो ऐसे में उसका आना होगा, वो आएगी। और इसके अलावा अगर बताया जाए तो दूसरे को बधाई देना भी जरूरी है, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी सब लगाते हैं कि आने वाले 5 सालों में जो सरकार जीत कर आई है, जो सरकार रहेगी, वो बेहतर तरीके से काम करे, जनता के मुद्दों पर काम करे, और इसी को देखते हुए एक दूसरे को बधाई देने का जो सिलसिला है वो चलता है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका, सोनिया और राहुल गांधी तीनों को ही आमंत्रित किया गया है, और जिस तरह से सक्रिय रही है प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में, तो क्या लग रहा है क्या वो आ सकती है? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में मिली है कि कोई आएगा कांग्रेस की तरफ से या नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं है, और किसी प्रकार से कोई जानकारी या फिर कोई भी कार्यक्रम भी ऐसा रिलीज नहीं किया गया है कि ये लोग आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में कौन नेता मौजूद है विपक्ष के? अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो मौजूद है, मुलायम सिंह यादव मौजूद है, बसपा सुप्रीमो मौजूद है, तो इनका आना ना आना ये पार्टी का और उनका अपना फैसला है। निमंत्रण देना ये अपना फैसला है बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से उन्होंने फोन करके निमंत्रण दिया है। अब ये नेता आते हैं नहीं आते हैं, ये तो इनको इनके पार्टी पर और इनके विवेक पर ही लगभग कहीं ना कहीं होता है जी। नितिन, अगर बात करी जाए निमंत्रण की, तो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टियों को तो निमंत्रण भेज दिया गया, लेकिन जिस तरह से प्रचार करने ममता बनर्जी आई थी, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि उनको भी बुलाया जाएगा, लेकिन उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है उनका जो शपथ जी। नितिन, जिस तरह से भव्य हुआ था ममता बनर्जी का कार्यक्रम, और अब उससे भी ज्यादा भव्य हो रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, किस तरह देखते हैं इन दोनों चीजों को? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर क्योंकि इस कार्यक्रम की तैयारी काफी दिनों से चल रही है। 10 तारीख को जब नतीजे आए थे, तो नतीजे आने के बाद से ही जो तैयारियों का सिलसिला था वो काफी जोरों से था। 15 दिन आज हो चुके हैं, 15 दिन तक इंतजार किया गया सरकार का शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का, और आज वो दिन आ चुका है जब ये शपथ ग्रहण होना है। तो लगभग इंतजार सभी को था जी, कार्यक्रम को होने का, और आज वो समय है। उस समय में कहीं ना कहीं जो भव्यता बताई जाए, तो जिस तरह से लोगों का आना है, यहाँ पर करीब 70,000 जो पासेस हैं वो बांटे गए हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, साधु संतों को बुलाया गया है, उद्योगपतियों को बुलाया गया है जी।
फिल्मकार बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों। सवाल ये भी उठ रहा था कि जिस तरह से 15 दिन का अंतराल रखा गया शपथ ग्रहण समारोह में, कुछ लोग कह रहे थे कि भव्य बनाने के लिए 15 दिन का समय लिया गया, तो कुछ कह रहे थे कि आपसी मतभेद। देखिए भव्य भी बनाना था और पार्टी के अंदर की चीजें होती है की किसे जो अंदर की प्रक्रियाएं होती हैं कि मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, किसको इस बार कौन सा विभाग देना है, कहां पर कैसे काम होगा, इन सबको लेकर के भी चर्चा विचार इस पर चला है और आपने देखा भी है। बीते अगर हम 15 दिन की बात करें, 15 दिनों में दिल्ली जी बिल्कुल हमारा संपर्क कट गया है और इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। तो सीएम आवास पर सभी बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी भी 5 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें फोन नहीं पहुंचे। सिद्धार्थ नाथ हो गए या फिर सतीश महाना हो गए, इनको भी अभी फोन का इंतजार है। सीएम आवास पर दिनेश शर्मा भी नहीं दिखे जो कि डिप्टी सीएम है, और तमाम बड़े चेहरे ऐसे भी हैं जो पहुंच चुके हैं। तो अभी भी कई चेहरों को इंतजार है कि उन्हें फोन करके ये जानकारी दी जाएगी कि वो मंत्रिमंडल में है या नहीं। तो भावी मंत्रियों की भी एक सूची, संभावित सूची सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सुरेश खन्ना, एसपी शाही, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, जयवीर सिंह, ब्रजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, जेपीएस राठौड़, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, सरिता भदौरिया, अरविंद शर्मा, संदीप सिंह, संजय निषाद, आशीष पटेल, भूपेंद्र चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, बलदेव औलख, सतीश शर्मा, एक संभावित सूची जारी हो रखी है, एक संभावित नाम है जो कहे जा रहे कि मंत्रिमंडल में हो सकते हैं, एक अहम जिम्मेदारी निभा सकते हैं इस 2.0 में, योगी के 2.0 कार्यकाल में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो वही ये भी माना जा रहा है कि 2 ही डिप्टी सीएम होंगे, जिसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य का फिर से कार्यकाल रिपीट होगा, फिर से वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन दिनेश शर्मा के नाम पे अभी संशय बना हुआ है। हालांकि दोनों के ही नाम पे संशय बना हुआ है, कुछ भी अभी साफ नहीं हुआ है, साफ होगा 4 बजे के बाद। लगातार बैठकें चल रही हैं और बैठकों के दौर में ये निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर किसके नाम पे मोहर लगाई जाए, किसके नाम पे मोहर नहीं लगेगी। हालांकि जो बड़े उम्रदराज चेहरे हैं उनको कहीं ना कहीं पदभार से मुक्त किया जा सकता है, और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी ये काफी अहम और अहम जिम्मेदारी है और महत्वपूर्ण निर्णय भी है। और ऐसे चेहरे जो कि अपने साथ अच्छा जन समर्थन लेकर चलते हैं, जनता का काफी प्यार स्नेह मिलता रहता है, और जिन्होंने अच्छा वोट बैंक भी हासिल किया है, अच्छा प्रदर्शन किया यूपी के 2022 के चुनाव में, तो उन्हें अहम भूमिका मिल सकती है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही साथ 2024 के चुनाव पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है बीजेपी, 2024 की रणनीति पर भी ध्यान दे रही है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए 15 दिन का वक्त लिया बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए, ताकि जो नाम है उनके ऊपर अच्छे से चर्चा भी हो जाए, और आने वाले समय में अगर इन्हें बदलना हो या फिर इन्हीं नामों के साथ आगे 2024 के चुनाव लड़ने हो तो कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और बीच में इन्हें बदलना ना पड़े, कई चीजें निकल के सामने आ रही है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के उप मुख्यमंत्री बनने के जो चर्चाएं हैं वो भी तेज हो रखी है, कहीं ना कहीं दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा भी काफी तेज नजर आ रही है। मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे सब, गोरखपुर की बात करें तो वहां पे गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, और बाकी मंदिरों में भी कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है, और बीजेपी की तरफ से भी ये निर्देश कार्यकर्ताओं को दिए गए थे कि पूजा अर्चना करें, और साथ ही साथ साधु संत भी मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान। तो ऐसा माना जा रहा है कि उस समय भी शंखनाद हो सकता है, और भव्य भजन और साथ ही साथ मंत्रोच्चारण के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण 2.0 संपन्न हो सकता है। बेबी रानी मौर्य सीएम आवास तक पहुंची हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम आवास पहुंचे हैं, जयवीर सिंह, गिरीश यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, विधायकों को सूचना दे रहे हैं, सुनील बंसल लगातार फोन किया जा रहा है, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जिनको फोन नहीं पहुंच रहा है। शपथ ग्रहण से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री आवास पहुंचे ब्रजेश पाठक, गिरीश यादव, सतीश शर्मा सीएम आवास पहुंचे, बेबी रानी मौर्य पहुंचे सीएम आवास, जयवीर सिंह, गिरीश यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, विधायकों को सूचना दे रहे हैं सुनील बंसल, शपथ
ग्रहण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास कई बड़े चेहरे पहुंचे, जिसमें ब्रजेश पाठक भी शामिल है। गिरीश यादव, सतीश शर्मा भी सीएम आवास पहुंचे हैं। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। एकाना सज के तैयार है समारोह से पहले, प्रशासन अलर्ट है। एयरपोर्ट से एकाना तक पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनात की गई है। कमर्शियल वाहनों को एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य शपथ ग्रहण समारोह। समारोह से पहले प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। छावनी में तब्दील है पूरा रूट, रूट डाइवर्ट किया गया है। एयरपोर्ट से एकाना तक पुलिस का पहरा है। 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ड्रोन साथ ही डॉग स्क्वाड के साथ साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी कार्यालय हो, सीएम आवास हो, एकाना स्टेडियम हो या फिर अमौसी एयरपोर्ट, सभी पर पुलिस का पहरा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। 6000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। मंदिरों में भी पूजा अर्चना देखने को मिल रही है। गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसमें गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीर है। भव्य पूजा अर्चना की जा रही है सुबह से ही। तो यही बड़े प्रसिद्ध मंदिरों के महंतों को निमंत्रण भेजा गया है, जो कि शपथ ग्रहण के समय शामिल होंगे। वो गोरक्षनाथ मंदिर के प्रमुख महंत हो या फिर जो है अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन के महंत हो, सभी बड़े धार्मिक स्थलों से महंतों को बुलाया गया है। प्रमुख साधु संत महंत पहुंच रहे हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अपनी भव्यता के साथ आज का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। भव्य होगा ये कार्यक्रम, जहाँ उद्योग जगत से, फिल्म जगत से कई बड़े चेहरे होंगे, तो वहीं साथ ही साथ साधु संत समाज के भी बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पे भी मंत्रियों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। शपथ लेने वाले मंत्रियों के साथ रात्रि भोज करेंगे आज सीएम। राज्य के अतिथियों को भोज पर बुलाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को रात्रि भोज में आमंत्रण भी दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं लखनऊ की है, किस तरह से भगवामय कर दिया गया है हर चौक चौराहे को। हर अतिथि के लिए एक बड़ा होल्डिंग पोस्टर लगाया गया है, जहां उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है इन होल्डिंग पोस्टर के द्वारा। वो चाहे सहयोगी दल हो, संजय निषाद हो या फिर कई बड़े चेहरे, होल्डिंग पोस्टर से हर चौक चौराहा सजा हुआ है। पूरे रास्ते पर होल्डिंग पोस्टर स्वागत अभिनंदन के साथ पोस्टर लगे हुए, बैनर लगे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को रात्रि भोज पे आमंत्रण दिया गया है। सभी के रहने का पूरा प्रबंध किया गया है। 7000 करीब सीटें बुक हुई, तो वही 5000 करीब रहने का इंतजाम किया गया है। सरकारी साथ ही साथ निजी होटलों में भी व्यवस्था की गई है अतिथियों के रहने की। वीआईपी वीवीआईपी लोग आज शामिल होंगे। कई बड़े उद्योगपति जो कि अपने प्राइवेट प्लेन से पहुंचेंगे, और साथ ही साथ उनके रहने और सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। कई फिल्मी सितारे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी पहुंचेंगे, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर तमाम नाम शामिल है। कंगना रनौत का नाम भी शामिल है, जो कि काफी बीजेपी की तरफ से कहती हुई भी नजर आती है, अपने मुद्दों को उठाती रहती है और बीजेपी समर्थित नजर आती है। बड़े चेहरे हैं जो कि पहुंचेंगे। वहीं 75 जिलों के जितने भी विजयी विधायक हैं, वो सब भी पहुंच रहे हैं। 2017 कैबिनेट में कौन कौन शामिल थे, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक विधि एवं न्याय मंत्री, सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री, ये वो चेहरे हैं जो कि 2017 में कैबिनेट में थे। 2017 में कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री पद मिला था, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री पद मिला था, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, और ये वो नाम भी हैं जो कि इस बार भी मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं शामिल हो सकते हैं। वही 2017 की एक और लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। धर्मपाल सिंह सिंचाई मंत्री, रमापति शास्त्री समाज कल्याण मंत्री, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, सिद्धार्थ नाथ सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, आशुतोष टंडन चिकित्सा शिक्षा मंत्री, तो ये वो चेहरे हैं जो कि शामिल रहे थे 2017 में धर्मपाल सिंह ने। वही तीसरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। नंद किशोर नंदी साथ भूपेंद्र चौधरी,
सुरेश पासी, मोहसिन रजा, ये वो नाम है जो कि 2017 में कैबिनेट में रहे हैं। नंद किशोर नंदी, पंजीयन नागरिक उड़यन मंत्री थे। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी, पंचायती राज लोक निर्माण मंत्री, सुरेश पासी, आवास एवं कौशल विभाग मंत्री, मोहसिन रजा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। एक और लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, नंद किशोर नंदी, भूपेंद्र चौधरी, सुरेश पासी, मोहसिन रजा, नंद गोपाल नंदी, भूपेंद्र चौधरी, सुरेश पासी, मोहसिन रजा, ये वो चेहरे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और आने वाले समय में भी इन्हें एक महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं 2017 के कैबिनेट मंत्रियों के। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री, बृजेश पाठक विधि एवं न्याय मंत्री, सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री। इनके नाम पर चर्चा चल रही है कि एक बार फिर से रिपीट भी कर सकते हैं अपने कार्यकाल को। हो सकता है कि इन्हें विभाग दूसरा दिया जाए, लेकिन मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं कुछ चेहरे जरूर शामिल होंगे। धर्मपाल सिंह सिंचाई मंत्री, रमापति शास्त्री समाज कल्याण मंत्री, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, सिद्धार्थ नाथ सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, आशुतोष टंडन प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, धर्मपाल सिंह, तमाम कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम इस बार भी मंत्रिमंडल में रिपीट हो सकते हैं। तो वही कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनकी ज्यादा उम्र है और उम्र को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें पदभार से मुक्त भी किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा इस चीज का ध्यान भी देती है कि जो उम्र दराज नेता है उनको पदभार से मुक्त करके कुछ नए चेहरों को फिर से जगह दी जाए, उनसे काम लिया जाए ताकि नए पीढ़ी की सोच के साथ वो काम कर सके। और वही कई गुड़ा गणित बैठा के 24 के लिए कई रणनीति बना के भी काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि भावी मंत्रियों की लिस्ट में सुरेश खन्ना का नाम, एसपी शाही का नाम, केशव प्रसाद मौर्य का नाम, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक, जयवीर सिंह, ब्रजेश सिंह, राजेश्वर सिंह, जेपीएस राठौर, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, सरिता भदौरिया, अरविंद शर्मा, संदीप सिंह, संजय निषाद, आशीष पटेल, भूपेंद्र चौधरी, जितिन प्रसाद, बलदेव औलख, सतीश शर्मा का नाम सामने आ रहा है। और शाम 4 बजे तक इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इन्हें जगह मिलेगी या नहीं। लखनऊ में शपथ ग्रहण समारोह होना है। वहीं सीएम आवास पर संभावित मंत्रियों की बैठक हुई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, संभावित मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी है। पूरन प्रकाश योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, ब्रजेश पाठक भी योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके आवास पहुंचे, यानी सीएम आवास पहुंचे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रजेश पाठक दूसरे डिप्टी सीएम होंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ में होना है, शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो वही अब सूत्रों के हवाले से ये खबर भी सामने आ रही है, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो सकते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह। आवास पर संभावित मंत्रियों की बैठक हुई है, संभावित मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। के कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, धर्मपाल सिंह, रमापति शास्त्री, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, आशुतोष टंडन, सतीश महाना, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, ये तमाम चेहरे 2017 में कैबिनेट में थे और वहीं इस बार भी रिपीट हो सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़े चेहरे जो इस बार भी रिपीट कर सकते हैं। ब्रजेश पाठक के नाम बड़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि दूसरे डिप्टी सीएम, पहले की चर्चा है कि केशव प्रसाद मौर्य ही फिर से रिपीट कर सकते हैं अपने कार्यकाल को, तो वहीं ब्रजेश पाठक दूसरे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जहां धर्म जाति सब कुछ देखी जाती है राजनीति में, तो वहीं गुणा गणित के आधार पर दो उप मुख्यमंत्री, जिसमें से एक मौर्य समाज से तो दूसरा ब्राह्मण समाज से बताया जा रहा है। बेबी रानी मौर्य का नाम भी कहीं ना कहीं इस लिस्ट में था, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भले ही अपनी सीट से हार गए हों, लेकिन उनका जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल रहा है, उनका योगदान रहा, उसको देखते हुए उनको एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है। तो वहीं ब्रजेश पाठक जो कि एक ब्राह्मण चेहरा है, उनको मिल सकती है।
धर्मपाल सिंह, रमापति शास्त्री, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ, आशुतोष टंडन, ये भी वो चेहरे हैं जो 2017 में कैबिनेट में शामिल रहे थे। इसमें से कुछ के नाम ऐसे हैं जो कि रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशन में इनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन कुछ का नाम ऐसा है कि जिसपे अभी संशय बना हुआ है। ब्रजेश पाठक के नाम की चर्चा तेज हो रही है। वहीं बता दें आपको, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरपोर्ट से इकाना के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम और असम के सीएम एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं। बड़े चेहरों के आने का दौर लगातार जारी है। कई साधु संत समाज के लोग भी पहुंच चुके हैं। शाम के कार्यक्रम की यानी 4 बजे के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूजा पाठ भी देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा। तो वहीं लखनऊ एयरपोर्ट से गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ये आपको उन नेताओं का, उन मुख्यमंत्रियों का नाम बता रहे हैं जो कि पहुंच चुके हैं लखनऊ और एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम पे आज मोहर लग सकती है। सभी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। कौन से ऐसे वो चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में होने के बावजूद भी हटाए जाएंगे पदभार से, उन्हें निकाला जाएगा। कौन किसका भार बढ़ेगा और किसका घटेगा, ये तो आज पता चलेगा। काफी संशय बना हुआ है। आज भाजपा में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। नंदी और भूपेंद्र चौधरी, कई बड़े चेहरे ऐसे जो कि एक बार फिर से अपने कार्यकाल को दोहरा सकते हैं 2017 में। ये बड़े चेहरे जो कि कैबिनेट में शामिल थे, 2017 के कैबिनेट के बड़े चेहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ, आशुतोष टंडन, ये वो चेहरे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल बखूबी निभाया। वही पूरन प्रकाश भी योगी आदित्यनाथ से मिले, ब्रजेश पाठक भी योगी आदित्यनाथ से मिले सूत्रों के हवाले से। वही बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। अलग अलग राज्यों से कलाकारों को बुलाया गया है, सुबह से ही सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रजेश पाठक होंगे दूसरे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर सामने आ रही है, दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक बनेंगे डिप्टी सीएम। दिनेश शर्मा को संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रजेश पाठक होंगे दूसरे डिप्टी सीएम। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक बनेंगे डिप्टी सीएम। दिनेश शर्मा को संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ब्रजेश पाठक होंगे दूसरे डिप्टी सीएम। दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक होंगे डिप्टी सीएम, बड़ी खबर सामने आ रही है। कानून मंत्री के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है ब्रजेश पाठक ने और अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है डिप्टी सीएम पद के लिए। उनका नाम सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। दो उप मुख्यमंत्री रहेंगे इस बार भी, दूसरे कार्यकाल में भी दो ही उप मुख्यमंत्री रहेंगे और जिस तरह से एक मौर्य समाज से और दूसरा ब्राह्मण समाज से भी माना जा रहा है, तो दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक का नाम चर्चा में तेज है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ब्रजेश पाठक को शपथ दिलाई जा सकती है उप मुख्यमंत्री की। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का नाम ही लिस्ट में आगे चल रहा है कि वही अपने कार्यकाल को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं।
बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पदभार बढ़ रहा है बृजेश पाठक का, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पहले जिस तरह से चुनावी प्रचार किया गया, फिर मंदिर में पूजा अर्चना की गई बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा, बीजेपी को जीत मिली और जीत के बाद एक बार फिर बीजेपी नेताओं ने, विधायकों ने मंदिर में जाके माथा टेका, पूजा अर्चना की और जिस तरह से आशीर्वाद मांगते रहे, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की दुआ तो आज कबूल हो जाएगी तो वहीं कुछ लोगों की दुआ कबूल नहीं हो पाएगी, कुछ के पद बढ़ेंगे तो कुछ के पद घटेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम दिन है आज, फैसले की घड़ी है, कई बड़े ऐसे चेहरे जिनके नाम पे मुहर लगेगी तो कुछ के नाम हटाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिनेश शर्मा की जगह बृजेश पाठक बनेंगे डिप्टी सीएम, बड़ी जिम्मेदारी बढ़ रही है, डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं बृजेश पाठक। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, शाम 4 बजे सीएम के साथ साथ बृजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, तो वहीं दिनेश शर्मा का भी पदभार बढ़ सकता है, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है दिनेश शर्मा को, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। दिनेश शर्मा की जगह बृजेश पाठक बनेंगे डिप्टी सीएम, दिनेश शर्मा को संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो संगठन में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ा फेरबदल हो सकता है, हालांकि माना जा रहा है कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं होगा, कुछ मंत्री ऐसे रहेंगे जिनके नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, वो ऐसे जिन नेता ने पार्टी को छोड़ा है उनके नाम में बदलाव होगा, उनकी जगह को भरा जाएगा नए चेहरों से, तो वहीं कुछ ऐसे मंत्री जो कि अस्वस्थ रहते हैं या फिर उम्र दराज है उनके नामों को भी रिप्लेस किया जाएगा, उनके पदभार को भी बदला जाएगा, उन्हें दूसरा विभाग दिया जाएगा या फिर पदमुक्त किया जाएगा, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वहीं कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे नेताओं की वजह से, और कुछ ऐसे चेहरे जिनका अच्छा कार्यकाल रहा है, जिन्होंने बखूबी जिम्मेदारी निभाई और इस बार के चुनाव में जीत में एक अहम योगदान दिया है, उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाएगा मंत्रिमंडल में अपना योगदान देने का, काम करने का, पदभार संभालने का, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, भव्य बनाया जा रहा है इस समारोह को, पूरी पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, चौक चौराहों की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से पूरे लखनऊ को सजाया गया है, भगवामय किया गया है, भगवा पोस्टर से सजाया गया है, कई बड़ी जो अलग अलग राज्यों के उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है पोस्टरों के द्वारा, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार और हर अपडेट हम आपको दे रहे, पल पल की अपडेट दे रहे, किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह को भव्य किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और हर अपडेट के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।